एक छोटा सा बालक जो कि अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसका पढ़ने का मन था। उसका पूरा परिवार कोयले की खान में काम करता था। दो वक्त की रोटी के लिए वह भी उस कोयले की खान में काम किया करता था। इस बात से आप गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। उस बालक का पढ़ने का बहुत मन करता था और उसके आसपास ऐसे स्कूल थे जिसमें वह एडमिशन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके आसपास के स्कूल सिर्फ गोरे बच्चों के लिए हुआ करते थे। वह बच्चा काला था और काले व्यक्तियों और काले बच्चे उस विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते थे। रोज की तरह जब वह उस कोयले की खान में काम कर रहा था तो उसने दो मजदूरों को बात करते हुए सुना। वे मजदूर जो बातें कर रहे थे उस लड़के के अंदर उत्साह भरने वाली थी। वह मजदूर जो बात कर रहे थे वह एक ऐसा स्कूल था जिसमें काले बच्चे पढ़ सकते थे। काले व्यक्ति तथा काले बच्चे एक दूसरी जात से आते थे। वह बच्चा उन मजदूरों से उस स्कूल के बारे में पूछा तथा वह कहां पर है, कितनी दूरी पर है, यह भी सवाल वह किया। उन मजदूरों ने उस बच्चे से बोला, स्कूल यहां से बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 900 किलोमीटर। यह सुनकर वह बच्चा थोड़ा सा निराश हो गया, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह 900 किलोमीटर दूर जा सके, और वह अभी छोटा सा बालक था जो कि अपने घर तक खदान के आसपास तक ही घूमा था, तो वह इतनी बड़ी दूरी अकेले कैसे तय कर सकता था। लेकिन उसकी पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी कि वह दिन रात उस स्कूल के सपने के बारे में सोचने लगा कि एक दिन मैं भी स्कूल में पढ़ूंगा। वह अपने माता पिता से बार बार कहने लगा कि मुझे उस स्कूल के पास लेकर चलिए, मैं उसमें पढ़ूंगा, मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा, हम लोग मजदूर हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको उस स्कूल में पढ़ने की फीस भी दे सकूं। वह बच्चा फिर से निराश हो गया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह बच्चा अपनी माँ से कहता है और अपने भाई से भी कहता है, अपने पिता से भी वह कहता है, मैं उस स्कूल में अकेले जाऊंगा। अब वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके घर वाले उसको अनुमति नहीं दे रहे थे। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन उसने जाने की ठान ली थी कि मुझे उस स्कूल में अपना नाम लिखवाना है और वहाँ पढ़ना है। वह अपने स्कूल के एडमिशन के लिए अपना घर छोड़कर चल दिया और अपनी माँ को देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यहाँ पढ़कर लौट कर आऊँगा तो शायद माँ को दोबारा देख ना सकूँ, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह घर से थोड़ा खाने पीने का सामान और थोड़े से पैसे जो उसके भाई ने दिए थे वह लेकर चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, कुछ दूर तक जाने के बाद उसके पैसे और उसके खाने खत्म हो गए, क्योंकि उसे काफ़ी दूर जाना था। फिर वह दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगता हुआ चलता रहा। दिन और रात चलने के बाद वह थककर हताश हो गया, क्योंकि अब उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे और कोई फ्री में खाना भी नहीं खिला सकता था। वह फुटपाथ के बगल में सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि मैं फुटपाथ पर ही सोया हूँ, और उसे बहुत तेजी से भूख भी लगी हुई थी, तो उसने दुकान में काम करने के बारे में सोचा, क्योंकि जब वह काम करता तो ही उसे कुछ पैसे मिलते और उन पैसों से तभी वह कुछ खाना खा सकता था। उसने दुकानदार से बात की, उस दुकानदार ने काम करने के लिए हाँ कर दिया। वह उस दुकानदार के यहाँ 5-6 दिन काम किया। अब उसके पास थोड़े रुपए हो चुके थे जिसकी सहायता से वह स्कूल तक आराम से पहुँच सकता था। अगले दिन वह अपने स्कूल की तरफ चल दिया। वह मोटर गाड़ी का सहारा लेते हुए अपने स्कूल तक पहुंच गया। लेकिन वह लड़का जब अपने स्कूल में पहुंचा तो उसकी हालत और दशा काफ़ी फटीजा जैसी हो चुकी थी। इस हालत में कोई भी उसे विद्यार्थी नहीं समझ रहा था। उसने वहां के प्रिंसिपल से कहा कि मुझे एडमिशन लेना है, तो उस स्कूल की प्रिंसिपल ने उसकी हालत को देखते हुए उससे बोले कि तुम मेरा यह कमरा अच्छे से साफ कर दो। बस इतना कहकर वह चली गई। उस लड़के ने सोचा, शायद यही मेरा टेस्ट है, यदि मैं इसको अच्छे से पास कर गया तो मेरा एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। वह लड़का कपड़ा लिया, झाड़ू लिया और उस कमरे को इतने अच्छे से साफ किया कि वह कमरा चमकने लगा। जब स्कूल की प्रिंसिपल ने अपना रुमाल निकाल कर फर्श पर रगड़ा तो एक भी धूल उसकी रुमाल में नहीं लगी। उसने बच्चे की यह कार्य कुशलता को देख कर, वह प्रिंसिपल उस बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कर लेती हैं। अब मैं आपको अंत में बताता हूँ कि वह बच्चा कौन है। यह वही बच्चा है जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना, नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। अब यहाँ से हमें तीन बातें सीखने लायक है। पहली, कुछ भी बड़ा करना है तो हमें सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाना है। अगर हमारे अंदर उस चीज को पाने का जज्बा है तभी हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा पाएंगे, जैसा कि जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। वह अपने जज्बे और जुनून की मदद से ही 900 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय की। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पागलपन है। दूसरी बात जो उनसे सीखने लायक है,
वह यह है कि त्याग की भावना। कोई भी सफलता कामयाबी हमें आसानी से नहीं मिल जाती है। वे सफलताएं वे कामयाबी हमसे त्याग मांगती हैं। छोटी सी उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी माँ घर परिवार सबको छोड़ करके पढ़ाई के लिए 900 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हो गए। इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया तभी जाकर वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। बिना त्याग के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। एक पुरानी कहावत है कि कामयाबी त्याग मांगती है। तीसरी बात जो हमें उनसे सीखनी है वह यह है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम आराम का सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंफर्ट जोन एक जेल की तरह होता है जो हमें हमेशा कैद रखता है और हमें निकलने भी नहीं देता। उस कंफर्ट जोन में आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कामयाबी के द्वार को नहीं खोल पाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन जब 11 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद उनके बड़े भाई ने उनकी देखभाल की। कुछ सालों बाद वह वर्जीनिया की सेना में भर्ती हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी काबिलियत को देख करके उन्हें एक लीडर की भूमिका दे दी गई। उन्होंने वर्जीनिया की तरफ से फ्रांस के विरुद्ध हुए युद्ध में भी भाग लिया। बाद में वह वर्जीनिया की विधानसभा के सदस्य भी थे। फिर जल्द ही जॉर्ज और उनके साथियों को लगा कि उनके ब्रिटिश शासक उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इसकी शिकायत की लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो अमेरिकी लोगों ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में ब्रिटेन हार गया और अमेरिका एक नए देश के रूप में सामने आया। युद्ध का नेतृत्व करने के कारण जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वह दो बार इस पद पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई नियम और प्रथाओं की स्थापना की जो कि आज भी वहां जारी है। अपना दो कार्यकाल पूरा करने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन खुद राष्ट्रपति पद से हट गए और यह नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और इसके पीछे का कारण यह था कि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने के कारण शक्तिशाली बन जाए और फिर एक राजा या तानाशाह की तरह शासन करे। कई बार होता है कि लोग जब बहुत बड़े बन जाते हैं तो वह अपने लोगों को भूल जाते हैं। जॉर्ज जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने काले गोरों के बीच हुए भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। काले लोगों को भी सम्मान का दर्जा दिलाया। इस बात से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, लेकिन हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहना चाहिए। और जब हम कामयाब बन जाएं, तो हमें अपने देश और लोगों के लिए सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। और हमें यह भी सीखना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम को हमें बड़ा बनाया जाता है। कोयले की खान में काम करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी दो वक्त की रोटी सही से नहीं मिलती थी, लेकिन उनके अंदर जो संघर्ष और अपने लक्ष्य को पाने का जो जज्बा था उन्हें आज इतना आगे लेकर आया। दोस्तों, कई बार होता है कि हम अपनी जिंदगी से, अपनी गरीबी से या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वक्त हमारी परीक्षा लेता है। अगर हमें चीजें सब कुछ बड़ी ही आसानी से मिल जाएं और जल्दी मिल जाएं तो हम आगे उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे। यह परिस्थितियाँ, यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं। अगर जॉर्ज वाशिंगटन को सब कुछ बड़ी ही आसानी से मिल जाता तो वे संघर्ष नहीं करते। वे गरीब लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते और जो काले गोरों का भेद चल रहा था अमेरिका में, वह इस प्रथा को समाप्त भी नहीं कर पाते। गरीबी में रहकर उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा, बहुत करीब से लोगों को जाना, परखा। और जब वह आगे बढ़े और सफल भी हो गए तो उन्हें वह सब बातें याद थी क्योंकि उन्होंने उस जिंदगी में जिया था। अगर आपकी भी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आपको ऊपर वाले ने कुछ बड़ा करने को भेजा है, क्योंकि जो इंसान जितना संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत होता चला जाता है। और जब आप मजबूत होंगे तभी तो आप किसी बड़े पद के लिए काबिल होंगे। तो अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा है तो हमें उससे निराश नहीं होना है, हमें लड़ना है। अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष सबसे ज्यादा लिखा है तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा। जितना हम लड़ेंगे उतना ही अंदर से हम मजबूत होते चले जाएंगे और जब हम मजबूत होंगे तभी तो भविष्य के किसी बड़े पद के लिए कामयाब बन पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका सच्चे दिल से बहुत बहुत आभार।